तो जाइए तैयार और 2 मिनट में जानिए बॉलीवुड इंडस्ट्री का हाल। करीना कपूर खान इस वक्त अपनी फिल्मों को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं और हाल ही में पता चला है कि करीना कपूर के हाथ 2 बड़ी पैन इंडियन फिल्म लग गई है। जिन 2 फिल्मों से उनका नाम जुड़ रहा है उसमें से एक SS राजामौली और महेश बाबू की SS MB 29 है और दूसरी फिल्म प्रभास की स्पिरिट है। साल 2025 की शुरुआत में वो फिल्म की शूटिंग शुरू करने वाली है। फिल्म साल 2026 तक रिलीज हो सकती है। वो फिल्म में एक अहम किरदार निभाते हुए नजर आएंगी, पर जिन 2 बड़े प्रोजेक्ट्स में उनका नाम जुड़ रहा है वो है प्रभास की स्पिरिट और महेश बाबू की SS MB 29। एक्ट्रेस इन दोनों फिल्म में से कौन सी फिल्म को चुनेंगी ये देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा। अब बात करें प्रभास की फिल्म स्पिरिट की, तो प्रभास और संदीप रेड्डी वांगा मिलकर स्पिरिट नाम की फिल्म करने जा रहे हैं। ये कॉप ड्रामा फिल्म होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म को 500 करोड़ रुपए के बड़े बजट में बनाया जाएगा। स्पिरिट जनवरी 2025 से फ्लोर पर चली जाएगी। एक इंटरव्यू में संदीप रेड्डी वांगा ने कहा कि जब भी उनकी और प्रभास की ये फिल्म पर्दे पर उतरेगी तो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि ओवरसीज मार्केट में भी ये धूम मचाने वाली है। अब बात करें दिलजीत दोसांझ की, तो दिलजीत दोसांझ और उनका दिलुमिनाटी टूर इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। इस कॉन्सर्ट के टिकट बहुत ही महंगे बिक रहे हैं। अब दिल्ली में रहने वाले लॉ स्टूडेंट रिद्धिमा कपूर ने दिलजीत को लीगल नोटिस भेज दिया है। उन्होंने दिलुमिनाटी टूर के आयोजकों पर टिकट बिक्री प्रक्रिया के दौरान हेराफेरी करने और उपभोक्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि स्पॉन्सर्स जानबूझकर शो की टिकट की कीमत बढ़ा रहे थे, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का उल्लंघन है। अब बात करें स्त्री 2 की, तो श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की स्त्री 2 ने इतिहास रच दिया है। ये सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन चुकी है, जिसने जवान, एनिमल जैसी फिल्मों को पछाड़ते हुए नंबर 1 पर पहुंच मार दी है। साल 2023 में आई शाहरुख खान की फिल्म जवान का रिकॉर्ड तोड़कर स्त्री 2 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन चुकी है। मैडॉक फिल्म्स ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि स्त्री 2 टॉप 5 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक बन चुकी है। तो दोस्तों, आप सभी का क्या कुछ है कहना इन सभी फिल्मों को लेकर, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही चटपटी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल बॉलीवुड टशन के साथ।